हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। भार्गव शुक्राचार्य के इन विनाशक संकल्पों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं उनके यज्ञ अनुसंधान को भंग करके ही दम लूंगा। भीम भीम प्रकटे प्रकटे आद मूर्ति स्वाहा। देवेंद्र, आप यज्ञ में बाधा डालेंगे, इसका अनुमान भार्गव शुक्राचार्य को पहले से ही था। इसीलिए उन्होंने अपने तपोबल से यज्ञ को पहले से ही सुरक्षित कर लिया है। वो देखिए देवेंद्र। क्रोध और शत्रुता के भाव ने दीमक बनकर भार्गव शुक्राचार्य के बुद्धि को ही चाट लिया है। वो अज्ञानियों की तरह चेष्टा कर रहे हैं। प्रभु के परम भक्त प्रहलाद का विनाश करने का षड्यंत्र रचकर वो आसुरी प्रवृत्तियों के अधीन हो गए हैं। देवेंद्र, अब उनका अधोपतन निश्चित है। भीम 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 प्रकटे प्रकटे आत्मूर्ति प्रकटे स्वाहा। भीम भीम प्रकटे प्रकटे आत्मूर्ति प्रकटे स्वाहा। प्रणाम देवी गंगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। वत्स, मुझे देवी कहने से यदि तुम मैया कहते तो मेरे मन को अधिक संतोष प्राप्त होता। ममता की आड़ लेकर मुझे भ्रमित करने आई हो। भ्रमित तो तुम पहले से ही हो गए हो वत्स, इसलिए तो शिवजी ने तुम्हें दंड देने हेतु अपने उदर में डाल लिया था। हे देवी गंगा, केवल तुम्हारे कारण भगवान शिव जी ने मुझे जीवन दान दिया। केवल तुम्हारे ही कारण शिव जी ने मुझे मृत्यु के अधीन करने की बजाय अमृतत्व का वरदान देकर अनुग्रहित किया। मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं देवी गंगा कि उपकार करने वाले को धन्यवाद भी न कहूं, परंतु देवताओं की कुटिल नीति के कारण मैं असुरों के हितों की सुरक्षा करने में इतना उलझ गया कि तुम्हें धन्यवाद देना भी भूल गया। क्या एक माता और संतान के बीच औपचारिकता की आवश्यकता है? तुम्हें शिवजी की तपस्या के तेज से शिवजी के पेट में जलते हुए देखकर मेरा माता का हृदय किस तरह जल रहा था ये तुम नहीं समझ सकोगे वत्स। एक माता अपनी संतान के मार्ग को
सहज करने के लिए अपनी पलकों से उसके पद पर बिखरे कंकरों को उठाती है। फिर मैं तुम्हें शिवजी के पेट में जलते हुए कैसे देख सकती थी? अपनी संतान पर निस्वार्थ ममता लुटाना यही माता का धर्म है। मैंने भी उसी मातृ धर्म का पालन किया है वत्स। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति वात्सल्य और ममता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए मैं अपने वात्सल्य का हाथ देकर तुम्हें अधर्म से धर्म के मार्ग पर ले जाने आई हूँ। मैं तो धर्म के मार्ग पर ही हूँ देवी गंगा, और मैंने कोई अधर्म नहीं किया। माता याचक बनकर अपने पुत्र के द्वार पर झोली फैलाकर खड़ी है और पुत्र उसे निराश कर रहा है। बस बस करो देवी गंगा, मैं तो ये कल्पना भी सहन नहीं कर सकता। माता तो एक महान दाता होती है, वो न केवल जन्म देती है बल्कि संतान को जीवन भी देती है। मैंने भी तो तुम्हें जीवन दिया है, मेरे कारण ही तो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुम्हारी माता ही हूँ वत्स। मैं चाहती हूँ तुम भगवान विष्णु से द्वेष करना छोड़ दो। मैं चाहती हूँ तुम भक्ति मार्ग को स्वीकार करो। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता देवी गंगा, कदापि नहीं हो सकता। अपनी माता को निराश करोगे? मैं विवश हूँ देवी गंगा, मैं विवश हूँ, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मैंने विष्णु को ध्वस्त करने का संकल्प लिया है। मुझे अपने पुत्र धर्म का पालन करना है और अपनी माता का वध करने वाले से प्रतिशोध लेना है। वत्स भार्गव, मुझे खेद है, तुमने व्यर्थ ही प्रतिशोध के हवन कुंड में अपने विवेक की आहुति दी है। मैं इसी प्रतिशोध के हवन कुंड में विष्णु के अंश प्रहलाद की भी आहुति देना चाहता हूँ। वत्स, तुम असंभव को संभव बनाने का प्रयास कर रहे हो। तुम अपने आप को मेरी माता समझती हो ना? तो मुझे मेरे कार्य की सफलता के लिए आशीर्वाद नहीं दोगी? वत्स, मेरी शुभकामनाएं तो सदा ही अपनी संतान के साथ रहती हैं। फिर भी मैं कहूंगी, विनाश और प्रतिशोध के विचारों को त्याग दो पुत्र, और सृष्टि के विकास कार्य में विधाता के साथ सहयोग करो। देवी गंगा, आशीर्वाद तो तुमने अब भी नहीं दिया। यशस्वी भव। भीम 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 प्रकटे प्रकटे आप मूर्ति प्रकटे स्वाहा। भीम भीम प्रकटे प्रकटे आप मूर्ति प्रकटे स्वाहा। भीम 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 प्रकटे प्रकटे आप मूर्ति प्रकटे स्वाहा। भीम 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 प्रकटे प्रकटे आप मूर्ति प्रकटे स्वाहा। देवेंद्र, देख रहे हैं आप, भार्गव शुक्राचार्य ने अपना संपूर्ण तपोबल अर्जित करके यह दिव्य वलय चक्र के रूप में प्रकट किया है। देख रहा हूं देव ऋषि, पर मैं करूं क्या? मैं ऐसी स्थिति में सदा अपने आप को असमर्थ ही पाता हूं। जाओ मेरे तपोबल, असुरों के वंश को समूल नष्ट करने वाले इस प्रहलाद को मधुचंदा ऋषि के अग्नि चक्र से बाहर ले आओ। जाओ। Thank you.
देव ऋषि। देवेंद्र चिंता क्यों करते हैं? भक्त प्रहलाद साक्षात गंगा मैया का आशीर्वाद है, वो तो सच होगा ही। इसमें कोई संदेह नहीं है देव ऋषि, परंतु गंगा मैया ने भार्गव शुक्राचार्य को भी तो आशीर्वाद रूपी माला पहनाई है। तो मैया का वो आशीर्वाद भी अवश्य फैलेगा फूलेगा, वो भी सच होगा देव ऋषि। बोलो वत्स। नारायण 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 नारायण। अतिशीघ्र बाहर निकालो, अतिशीघ्र। नारायण बोलो वत्स। प्रहलाद, प्रहलाद कहाँ गया? प्रहलाद, 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 प्रहलाद। गुरुदेव, गुरुदेव मेरे प्रहलाद की रक्षा कीजिए, मेरे प्रहलाद की रक्षा कीजिए गुरुदेव। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। चिंता न करो पुत्री, भक्त प्रहलाद की सुरक्षा का उत्तरदायित्व साक्षात प्रभु और गंगा मैया पर है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम अपने आप को संभालो पुत्री। कुछ भी कीजिए गुरुदेव, कुछ भी कीजिए, पर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे प्रहलाद को बचा लीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव ये क्या हुआ? गुरुदेव अग्निचक्र ने भी मार्ग दे दिया। नहीं पुत्री, अग्निचक्र ने भार्गव शुक्राचार्य के तपोबल का आदर किया है। शुक्राचार्य का तपोबल? हाँ पुत्री, ये सब शुक्राचार्य का किया धरा ही है। उन्होंने अपने तपोबल के प्रयोग से भक्त प्रहलाद को आश्रम से उठाया। गुरुदेव, गुरुदेव आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर प्रहलाद को आश्रम की सीमा से बाहर ना जाने दीजिए। साक्षात अग्निदेव ने जिसके तपोबल का आदर किया है, उसके तपोबल का मैं कैसे अनादर कर सकता हूँ पुत्री? अर्थात आप मेरे प्रहलाद को नहीं बचा सकते, आप मेरे प्रहलाद की रक्षा नहीं कर सकते। मैं फिर से कह रहा हूँ पुत्री, प्रहलाद को कुछ नहीं होगा। तुम गंगा मैया के शरण में जाकर प्रहलाद की सुरक्षा की विनती करो, वो अवश्य ही उसकी सुरक्षा करेंगी। जाओ पुत्री। मैया, गंगा मैया, गंगा मैया प्रहलाद की रक्षा कीजिए, भैया अपने प्रहलाद को बचाइए। मैं आधू प्रहलाद को अपनी मृत्यु की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जो राजा आह्लाद, असुरों का शत्रु प्रहलाद आ रहा है। Thank you.
का वध करना है युवराज। अपने चचेरे भाई अंधकासुर द्वारा पाए इस वरदान का वध करना है तुम्हें, इस वरदान को विफल करना है। युवराज, मेरा तपोबल तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरी रक्षा? उस बालक से मेरी रक्षा? मुझे तुम्हारे शौर्य और बल पर संदेह नहीं है, मुझे तो इन कपटी देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है। ये अपनी हर प्रकार की शक्ति का प्रयोग करेंगे प्रहलाद को बचाने के लिए। अपने इस मनोरथ को पूरा करने के लिए यदि वो तुम्हें मारने का प्रयास करें तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने अपने तपबल का प्रयोग किया है। अब कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें मार नहीं सकता, इंद्र का वज्र भी नहीं। देवऋषि, भार्गव शुक्राचार्य ने तो हमें हर प्रकार से निरुत्तर कर दिया है, अब प्रहलाद की रक्षा कैसे होगी? नारायण नारायण नारायण। इसे मार डालो युवराज, इसका वध कर दो। तुम मेरे अनुज अवश्य हो प्रहलाद, परंतु कृषेश ने कहा है कि तुम हम दोनों के पिता सुरेश और हिरण्यकश्यप के साथ साथ सारे असुर कुल के नाशक बनने जा रहे हो, अतएव मुझे तुम्हारा अस्तित्व नष्ट करना होगा। जय हो गंगा।